आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड की पांचों सीटों पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस प्रत्याशियों का समर्थन करने की घोषणा की है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और आप प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर ने बुधवार को संयुक्त प्रेस वार्ता में भाजपा पर निशाना साधा, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर ने कहा कि भाजपा की तानाशाही खत्म करने और लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है। आम आदमी पार्टी बूथ लेवल से चुनाव में जुटी है और पूरी मजबूती के साथ उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ाएगी। जिला स्तर पर समन्वय समिति बनाकर कांग्रेस प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार व सभाओं में आप कार्यकर्ता पूरी तरह से भागीदारी करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के आने से कांग्रेस का मनोबल बढ़ेगा। 2022 के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रतिशत हासिल किया था, जिससे सामूहिक चुनाव लड़ने से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही महारा ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार विपक्षी नेताओं पर ईडी और सीबीआई के माध्यम से कार्रवाई कर रही है। पीएम मोदी को सोचना चाहिए कि वे धमकी गलत समय पर दे रहे हैं। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी बताएं, आखिर पूर्व में जिन नेताओं पर ईडी व सीबीआई का छापा मारा गया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। वहीं इस मौके पर इंडिया गठबंधन के समन्वयक शीशपाल बिष्ट, आपके प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल चौधरी, कांग्रेस मीडिया समन्वयक राजीव महर्षि मौजूद रहे।